हेलो फ्रेंड्स, हंस वाणी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों का दोस्त वरुण भाई। दोस्तों, स्टोरेज फुल तो लगभग सभी के एंड्रॉयड फ़ोन में होते हैं, खासकर पुराना मोबाइल में तो बहुत ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा अपने एंड्रॉयड फ़ोन के स्टोरेज को आप कैसे खाली कर सकते हैं। दोस्तों, स्टोरेज फुल होने की वजह से ना आपका एंड्रॉयड फ़ोन में आप कोई सा ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं या आपका एंड्रॉयड फ़ोन अच्छा से चल पाता है। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा अपने एंड्रॉयड फ़ोन के स्टोरेज को आप कैसे खाली कर सकते हैं। तो अगर आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन के स्टोरेज को आप खाली करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा अपने ओप्पो A3s एंड्रॉयड फ़ोन के स्टोरेज को खाली करने। तो चले तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ एक घंटी के बटन है उसको नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे हर अपडेट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। तो दोस्तों, अपने एंड्रॉयड फ़ोन के स्टोरेज को खाली करने के लिए सबसे पहले अपने एंड्रॉयड फ़ोन के फाइल मैनेजर पर आपको चले जाना है। तो मैं फाइल मैनेजर पर चले जाता हूँ। देखिए, तो फाइल मैनेजर पे आने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, नीचे में आपको देखने को मिले, देख सकते हैं क्लीन स्टोरेज। तो क्लीन स्टोरेज पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लीन स्टोरेज पे क्लिक करने को यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं ये आपका लाल हो चुके हैं, यानी कि ये आपका रेड हो चुके हैं। आपका एंड्रॉयड फ़ोन में देख सकते हैं 64 MB खाली है। तो देखिए फ्रेंड्स, तो इसको आपको पहले आपको क्लियर कर लेना है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं क्लियर ऑल, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है और इसको आपको क्लियर कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं सेव टू क्लीन, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करके आपको इसको भी आपको रिमूव कर लेना है। तो मैं इसको भी रिमूव कर लेता हूँ, इसको यानी कि इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं थोड़ा सा खाली हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिले ऑल ऐप कैच डाटा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। 404 MB यहाँ पे आपको देखने को मिले फालतू का आपका एंड्रॉयड फोन में ये पड़ा हुआ है। इसको आप क्लियर करोगे तो आपका एंड्रॉयड फोन में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होने वाला है। तो आपको इस पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे आपको सबको आपको सिलेक्ट करना है। सबको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिले क्लियर 404 MB, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है और इसको आपको डिलीट कर लेना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से क्लियर हो चुके हैं, यानी कि डिलीट हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ से आपको बैक कर लेना है। ऐसे डिलीट करने से फ्रेंड्स आपका एंड्रॉयड फोन के कोई भी डाटा आपका खत्म नहीं होने वाला है फ्रेंड्स, नहीं उड़ने वाला है। तो इसके बाद यहाँ से आपको बैक कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका पहले से खाली हो चुका है। यहाँ पर आपको देखने को मिले, देख सकते हैं 469 MB यहाँ पर आपको देखने को मिले। देखिए, इसके बाद यहाँ से आपको बैक कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स अपने एंड्रॉयड फोन के सेटिंग्स पर आपको चले जाना है। सेटिंग्स पे जाने को यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने को यहाँ पे आपको देखने को मिले, देख सकते हैं एडिशनल सेटिंग्स, तो एडिशनल सेटिंग्स पे आपको क्लिक कर लेना है। एडिशनल सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिले स्टोरेज, तो स्टोरेज पे आपको क्लिक कर देना है। स्टोरेज पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ये जो मैं आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूँ, ये वाला ट्रिक आपका एंड्रॉयड फोन में SD कार्ड जरूर होना चाहिए, तभी आप इस ट्रिक को आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिले SD कार्ड लगा हुआ है। यहाँ पे आपको देखने को ये फोन है और ये SD कार्ड है। तो ये जो आपको देखने को मिला आई बटन, तो आई बटन पे आपको क्लिक करना है। आई बटन पे क्लिक करने को तो आपको इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं ट्रांसफर टू SD कार्ड, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने से फ्रेंड्स जो आपका एंड्रॉयड फोन इंटरनल स्टोरेज में जो पड़ा हुआ है उन सभी को आप SD कार्ड में आप कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिला स्टार्ट ट्रांसफरिंग, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो स्टार्ट ट्रांसफरिंग पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। स्टार्ट ट्रांसफरिंग पे क्लिक करने को यहाँ पे आपको देखने को मेरे देख सकते हैं आपका जो 135 MB आपका फोटो लिया हुआ है, वीडियो आपका कुछ लिया हुआ नहीं है। इसको यहाँ पे आपको देखने को ऑडियो आपका 101 MB लिया हुआ है। इसको यहाँ पे आपको देखने को डॉक्यूमेंट आपका 201 MB लिया हुआ है। दोस्तों, तो आपको इन सभी को आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिले स्टार्ट ट्रांसफरिंग, तो इस पर आपको क्लिक करना है और ये सभी आपका SD कार्ड में आपका चले जाएगा फ्रेंड्स। तो कुछ देर के लिए तो यहाँ पे आप लोग वेट कीजिए, यहाँ पे अभी प्रोसेसिंग में चल रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 5 साइंटिक लग चुके हैं। देखिए, तो सभी कॉपी हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिला डन, तो डन पे आपको क्लिक करना है। डन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको बैक कर लेना है और मैं आप लोगों को स्टोरेज को दिखा रहा हूँ। देखिए, फाइल मैनेजर पे चले जाता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 912 MB खाली हो चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहले आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहे थे 68 MB, कुछ आप लोगों को देखने को मिल रहे थे ऐसे ही। तो अब देख सकते हैं फ्रेंड्स खाली हो चुके हैं, पहले से कुछ खाली हो चुके हैं। देखिए 913 MB हो चुके हैं। दोस्तों, इस तरह से अपने एंड्रॉयड फोन के स्टोरेज को आप खाली कर सकते हैं फ्रेंड्स बहुत ही आसानी से। तो आज का वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ एक घंटी के बटन है उसको नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे हर अपडेट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। तो चले तो मिलता है अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।